तो आज भी संडे है और आज हम जा रहे हैं ये दरिया की तरफ अपने शिकार के लिए। जी पहला शिकार हमें घर के पास ही मिल गया। गुड शॉट। ये जी आ गए हैं जी बाबा। और है दोस्तों इधर आके जी हम फंस गए हैं एक जगह पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जी संडे। जैसे कि आपको पता है कि संडे वाले दिन हमारा एक स्पेशल टूर होता है, हम या बाइक राइड करते हैं या हम दरिया की तरफ जाते हैं अपने हंटिंग के लिए, शिकार के लिए। तो आज भी संडे है और आज हम जा रहे हैं ये दरिया की तरफ अपने शिकार के लिए। ठंड भी जी आज बहुत ज़्यादा है, बादल हुए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है और फुल सर्दियों वाला जो है ना वो माहौल बना हुआ है। निकलते हैं इधर से और दिखाता हूँ फिर मैं आपको चल के कि आज हमें क्या मिलता है। इधर से उधर क्या होता है यार। और जी पहला शिकार हमें सामने घर के पास ही मिल गया। हैदर की जी पहली शॉट। गुड शॉट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह जी हैदर का पहला शिकार। और एक और जी हैदर जी आज फुल जोश में लग रहा है मुझे। घर से निकले और जी हमें दो शिकार मिल चुके हैं। और जी इब्तिदा हमारी बहुत अच्छी हुई है तो इंशाल्लाह आज हमारा हंट भी अच्छा होगा। बस आगे निकलते हैं अभी इधर से। और जी एक और गुड शॉट। अरे भाई चीता बना पड़ा, चीता। और दोस्तों आज बड़ी मज़े की जो है ना हैदर की शॉटें लग रही हैं और बड़ी एक्सीलेंट शॉटें लग रही हैं। तो कभी कभार तो ऐसे होता है कि हमें तकरीबन 20-25 किलोमीटर चलने के बाद भी जो है ना एक शिकार भी नहीं मिला होता। तो आज तो जी अल्लाह पाक कुछ ज़्यादा मेहरबान है शायद हम पे, वो इसलिए कि आज हम घर से निकले हैं तकरीबन 1 किलोमीटर की रेंज में हमें 3 शिकार मिल गए और हैदर ने जो है ना कामयाबी से उनको हंट किया। और जी शिकार हमें और मिल गया सामने ही, बिल्कुल वो शायद आपको नज़र आ रहा होगा सामने। जा इसके पीछे। और ये जी एक बड़ा डब और मिला हमें, ये देखें। और दोस्तों हम तकरीबन पहुंच चुके हैं दरिया के एरिए में और आज हमारा प्लान है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दरिया के पार जाने का बेड़ी से क्रॉस करके। और जी हैदर फिर जा रहा है, वो सामने तार के ऊपर बैठी है और अभी देखते हैं जी क्या बनता है। ये जो मुझे ज़रा ज़्यादा लग रही है वो शॉट हैदर की। और हैदर गिरेगी, ये जगह का ख्याल रखना और इसके पीछे जाओ। और हैदर ने जी शिकार हिट कर लिया है लेकिन वो थोड़ी दूर जाके गिरी है। असल में रेंज ज्यादा थी तो उसको सही प्रॉपर लगा नहीं, विंग होके आगे जाके गिर गई है। वो जा रहा है सामने उठाने और उसके बाद ही हमने फिर यहाँ से मोटरसाइकिल गुजारने है। और मैं सोच रहा हूँ कैसे गुजारा जाएगा, कोई सही जगह है ही नहीं बिल्कुल। और ये जी आ गया मेरा छोटा शिकारी। तो जी गुजारते हैं यहाँ से मोटरसाइकिल, रास्ता तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले में तो खा लिया, अब ऊपर
बाबा इसी से, ये यहीं से, ये जी आ गए हैं जी बाबा। और जी पहुंच चुके हम बिल्कुल दरिया के करीब, और यहां से जी फिर फुल टाइम रेत स्टार्ट हो जानी है। ये देखें जी, और अभी पानी के हालात नहीं पता कितना पानी है, पानी मजीद मुझे लगता है कि कम हो गया। हाँ जी, बेड़ी जी इधर है नहीं, बेड़ी खड़ी है दूसरे किनारे पे। तो जी दोस्तों आ चुके हैं जी इस टाइम हम दरिया के किनारे पे। तो जैसे कि आपने देखा अभी बेड़ी खड़ी है दूसरे किनारे पे, और जैसे जी आती है बेड़ी इस तरफ, और फिर हम मोटरसाइकिल अपना लोड करते हैं और लोड करके लेकर चलते हैं उसको पार दरिया के। और फिर आज जी हमने करनी है ख्वारी, आज जी हैदर का ख्वारी का फुल मूड है। तो बस निकलते हैं फिर, बेड़ी से पार हम हो गए हैं और अब ढूंढते हैं इधर से कुछ, देखते हैं क्या मिलता है। जो जी दरिया के हालात मुझे नजर रहे हैं, लगता तो नहीं है कि इधर दरिया पे कोई शिकार होगा। पहला महीना स्टार्ट हो गया समझो, तो इन दिनों जो मुर्गाबी होती है वो ज़्यादा आपको नज़र नहीं आती शिकार के लिए, क्योंकि वो अपना अपना जो उनके कोई सेफ पॉइंट होते हैं वो वहाँ चली जाती है और छुप जाती है वहाँ जाके, और एक महीना तकरीबन वहीं वो गुजारती है। उसके बाद एक महीने बाद फिर इनकी जो है दोबारा से इनकी माइग्रेशन का टाइम शुरू हो जाएगा, ये फिर पाकिस्तान से जाना शुरू हो जाएगी। और जी फिर उन दिनों शिकार अच्छा नज़र आएगा, और इनका जो शिकार का होता है वो टाइम दो ही होते हैं, जब ये माइग्रेशन करके आ रही होती है मुर्गाबी, और जब ये जा रही होती है। सर्दी का तो जी पूरा हमने बंदोबस्त किया हुआ है, फुल पैक है हम, तो सर्दी तो नहीं लग रही हमें, लेकिन बस वैसे ही जो ये ख्वारी है ना कि आप बस ख्वार हो रहे होते हो और आपको शिकार कोई नहीं नज़र आ रहा होता। इसलिए हमें तकरीबन एक महीना हो गया हम इस तरफ नहीं आए, बस वहीं से हम थोड़ा बहुत जो अपना शिकार होता था वो करके और वापस चले जाते थे। और जी बस हमने अभी फैसला किया कि एक दफ़ा हम दरिया के किनारे किनारे एक राउंड कर आते हैं थोड़ा आगे तक, तकरीबन कोई एक डेढ़ किलोमीटर तक, अगर तो हमें कुछ सूरत हाल अच्छी नज़र आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर साइड पे जो जब फ्लड आया था तो इधर जो है ना वो खड्डे बन गए थे बड़े बड़े, उनके अंदर पानी रुका हुआ, तो फिर हम जी वहीं पे आके उन्हीं की चेकिंग करेंगे, शायद हमें उधर से फिर कुछ मिल जाएगा। तकरीबन जी 2-2.5 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं, और अभी तक हमें इधर नज़र कुछ भी नहीं आया। और दोस्तों इधर आके जी हम फंस गए हैं एक जगह पे, ये इस तरह का कुछ ही रास्ता है, और जितनी मुश्किल के बाद जद्दोजहद जंग लड़ने के बाद हम पहुंच गए इस तरफ। हाँ भी हैदर कुछ है या सिर्फ ख्वारी आज? तो यहाँ भी जी फिलहाल हमें कुछ नज़र नहीं आया, हैदर आ गया सामने देख के आया जो उधर खड्डों में पानी खड़ा है, तो उधर भी जी कुछ भी नहीं अभी फिलहाल। तो जी दोस्तों थक हार के जी एक जगह पे हम रुक गए हैं, बाइक को भी मैंने कहा चलो थोड़ा रेस्ट दे दें, बहुत ही गंदा रास्ता था, तो बहुत मतलब के लीचड़ टाइप की रेत थी जिसके अंदर बहुत मुश्किल से हम बाइक जो है ना अपना लेकर आए हैं। तो अभी हम बस इस जगह पे एक पे रुक गए हैं, तो शिकार जी अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला, वो जो पहले हमने मार लिया वही मार लिया, 3 है पता नहीं 4 डब है तो बस वही मिला है। तो जी हैदर साहब की जी आज इधर आओ जी, ज़रा अपनी शक्ल भी दिखाओ,
ये इसकी आज ही बड़ी पुरजोर ख्वाहिश थी कि जी हमने दरिया के पार आज जाना है, महीना हो गया हम नहीं गए, महीना हो गया नहीं गए। तो अब देखो ये मुंह भी नहीं अभी इधर कर रहा है। हाँ भाई बता, कितना शिकार मारा आज तूने? बस नहीं, आज नहीं हुआ शिकार। क्या नहीं हुआ शिकार, ख्वार करवा दिया आज यार तूने मुझे। इतनी और जी इतनी गंदी रेत और इतने गंदे रास्ते, तो बस क्या बताऊँ मैं आपको। बस अब जा रहे हैं फिर वापस, तो क्रॉस होते हैं दोबारा दरिया और जी इज्जत से पहुँचते हैं घर इतने ख्वार होने के बाद। तो बस निकलते हैं जी अभी इधर से घर की तरफ। पहले करनी है हमने जी बेड़ी क्रॉस। बचत हो गई है, अभी कल्टी प्रोग्राम होने लगा था। बहुत गंदा रास्ता है भाई, और बाइक की हवाएं असल में बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इस वजह से ये सारा सीन हो रहा है। तो जी पार आ चुके हम और बस निकलते हैं इधर से। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जी हम खैरियत से घर पहुंच चुके हैं इतना जलील और ख्वार होने के बाद। जितनी अच्छी हमारी इब्तदा आज हुई थी शिकार की, उतना ही हम ख्वार हुए हैं, वो भी बस जी आज हैदर की ख्वाहिश थी कि जी आज हमने दरिया के पार जाना ही जाना, क्योंकि हमें जी एक महीना हो गया हम दरिया के पार नहीं गए, तो इसलिए जो है ना मुझे जाना पड़ गया। तो मैंने कहा चलो खैर है, आज देख लेते हैं शायद कोई हमें अच्छा शिकार मिल ही जाता है उधर। लेकिन जी हमें कुछ नहीं मिला आज, जैसे कि आपने देखा हम बहुत ज़्यादा ख्वार हुए। तो दोस्तों करते हैं आज वाले अपने इसी व्लॉग का इधर एंड। तो दोस्तों ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अगर आज का हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो बेल वाला आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।